मोदी सत्ता है, कॉरपोरेट को जितनी रियायत और उसको जितना लाभ इस दौर में मिला है, इतना लाभ इससे पहले कॉरपोरेट के अपने इतिहास में कभी नहीं मिला था। तो कॉरपोरेट किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्यों खड़ा होगा और क्यों कॉरपोरेट का हित साधने के लिए नरेंद्र मोदी की राजनीतिक सत्ता क्यों नहीं निर्णय लेगी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के जरिए ही जारी किया गया, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के कुल 825 प्रोजेक्ट्स में से 300 प्रोजेक्ट विलंब से चल रहे हैं। इन पर जो ओरिजिनल कॉस्ट था वो 4,90,000 करोड़ का था, आज की तारीख में वो 5,37,000 करोड़ रुपए पार कर गया, यानी 47,000 करोड़ का नया बोझ सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के उस पर आ गया। जो सरकार कहती थी कि हमारा प्रोजेक्ट लेट नहीं होता है, रेलवे के प्रोजेक्ट 173 में से 119 प्रोजेक्ट लेट चल रहे हैं। ओरिजिनली कीमत होती थी 3,72,000 का बजट बनाया गया था इन 173 प्रोजेक्ट को लेकर, लेकिन आज उसकी कीमत 6,12,000 करोड़ हो गई, यानी 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा इस दौर में उसका खर्चा बढ़ गया। इसी तरीके से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, लगभग 142 प्रोजेक्ट में से 90 प्रोजेक्ट लेट चल रहे हैं और उस समय उसमें जो बढ़ोतरी हुई है 20,000 करोड़ की बढ़ोतरी हो गई है। यह लाभ किसे होगा? जो कॉरपोरेट इसमें शामिल होगा, जिस प्राइवेट सेक्टर को इसमें बिट दी गई होगी उसको लाभ होगा। पैसा कौन देगा? सरकार देगी। सरकार पैसा कहां से लाएगी? टैक्स के जरिए लाएगी। टैक्स कहां से आएगा? कॉरपोरेट टैक्स आपने कम कर दिया, जो दूसरा डायरेक्ट टैक्स है जो जनता से वसूला जाता है, जो जीएसटी लगाया गया वह धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब यहां पर एक स्थिति और आती है कि जो कॉरपोरेट को आपने लाभ दिया उसमें पार्लियामेंट की एस्टीमेट कमिटी ने ही बतला दिया, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, कि दरअसल फाइनेंशियल ईयर 2021 के भीतर इस कॉरपोरेट के चक्कर में इस देश को 1,84,000 करोड़ का चूना लग गया है। यानी कॉरपोरेट के जो रेट कम किए गए, लेकिन दूसरी तरफ इस देश को चूना लगा, इस देश की जीडीपी नीचे गई, इस देश में प्रोडक्शन से लेकर तमाम चीज नेगेटिविटी में है। लेकिन सोचिए, सीएमआई की एक रिपोर्ट बतलाती है 2021 में इस देश की 30,000 बड़ी कंपनियां जो थी उनका मुनाफा 138% ऊपर चला गया 2020 की तुलना में। यानी 2020 में भी मुनाफा था, 2021 में ये 138, अब 2022-23 का इंतजार करना होगा। इसमें एवरेज निकाला जा रहा है कि ये लगभग 66% और बढ़ जाएगा प्रॉफिट, जिस तेजी से रफ्तार कॉरपोरेट को सत्ता सरकार लाभ देती है। और कॉरपोरेट का जो टैक्स कलेक्शन है वो लगातार नीचे हुआ है, और इसमें हमको लगता है तीन हिस्सों में चीजों को समझ लीजिए तो और साफ हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 2004 में हम आपको ले गए हैं, उस समय जनता से 32% टैक्स वसूला जाता था और कॉरपोरेट से 27% टैक्स वसूला जाता था, यानी जनता के ऊपर 5% ज्यादा था। मनमोहन सिंह की सरकार जब 2013-14 में सत्ता छोड़ रही थी, उस वक्त जनता से 24% टैक्स वसूला जाता था और 35% कॉरपोरेट से, यानी 11% कॉरपोरेट से ज्यादा लिया जाता था। मोदी सरकार में उल्टा हो गया, 11% कॉरपोरेट कम हो गया, 40% जनता से लिया जाने लगा टैक्स और 29% कॉरपोरेट से लिया जाने लगा। यह स्थिति इस देश के भीतर में टैक्स कलेक्शन को लेकर और कॉरपोरेट का हित साधने को लेकर है। अब यहां पर आइए, जब हम आपसे जिक्र कर रहे थे छोटी छोटी बातों का, कि किसान सड़क पे, छात्र सड़क पे, कोई समझने वाला उनके दर्द को नहीं है। महंगाई की परिस्थिति में 2 जून की रोटी का जुगाड़ कैसे होगा, कोई जानने वाला नहीं है इस देश के भीतर में। यानी पॉलिटिकल पार्टीज उस पॉलिटिकल रास्ते को बनाने में लगी हुई है जो पारंपरिक तौर से पहले से चली।